हाय, वेलकम टू मेट्रो MGF। टुडे वी आर इन पुणे और हमें अभी अलहक फार्म पर। हमारे साथ में सरफराज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हमारे साथ में हजरत, थोड़ा सा उनका तारुफ कराओ। ये हमारे वाजिब भाई है, ये कैंप में रहते हैं और काफ़ी शौकीन है बकरों के। जी भाई है हमारे। पिछले मतलब साल में आपके वीडियोज़ ने हमारे चैनल पर और हाँ। उसके पहले वीडियोस आए थे जब वो रॉकी, ये था कश्मीर। रॉकी था अपना, कश्मीरी बकरा था, बड़ा बकरा था कश्मीरी, वो वीडियो शूट किए थे आपने। माशाल्लाह बहुत अच्छा। क्यों नहीं आपके पिछले साल? सबके भाई हम कुछ दूसरे कामों में बिजी थे ज़्यादा, और बकरे भी नहीं थे, छोटे बकरे थे, तो वीडियो शूट करना मुनासिब नहीं समझे, इसके लिए वो वीडियो नहीं आ पाए। ये साल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये साल क्या है? ये साल कोटा है जी। कितने कोटे? तीन चार कोटा है, चार पांच कोटा है ये साल, उसमें से तीन चार देना है अपने को, वो हिसाब से उसकी वीडियो आपके चैनल के थ्रू। तो फॉर सेल वाले बकरे देखेंगे अभी हम। फॉर सेल वाले बकरे चल। ओके, तो आज की वीडियो में कौन सा वाला बकरा देख रहे हैं? आज की वीडियो में पहले तो हम पैंथर, पैंथर बकरा है हमारा। हाँ, कोटा ब्रीड में। कोटा ब्रीड में पहले बकरा दिखा देते हैं। हाँ, बकरा दिखा देंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। बहुत बड़े फ्रेम का है बकरा माशाल्लाह। ये कब से रखे हुए? ये एक साल हो गया हमारे अपने पास। हाँ माशाल्लाह, जंगल से सोर्स करे थे इसको। हाँ, जंगल से आया था ये माशाल्लाह। बकरा बहुत मतलब बहुत लेंथ में भी है और बड़े फ्रेम का है। क्या डिटेल्स पर है अभी? शफी भाई, जब हमने इसको परचेज किए थे जी, उस वक्त ये अराउंड 60-65 केजी पे था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 किलो के आसपास है। अभी वेट कर रहे हैं 100 किलो के आसपास है। हमने इसका वेट पिछले मंथ में किए थे, अभी 98 केजी आया था वेट इसका। अच्छा, तो 100 केजी अप्रॉक्स रहेगा अभी। हाँ, अभी 100 या रहेगा उसके आसपास रहेगा। कोटा के बकरे कभी गेन भी करते, थोड़ा उतार भी लेते। थोड़ा सा गर्मी भी। हाँ, थोड़ा सा गर्मी। 2-4 किलो इधर उधर रहेगा। 2-4 किलो इधर उधर। दांत में कितना है? ये दांत 8 दांत लगाया। 8 दांत कर दिया। और हाइट क्या रहेगी इसकी? हाइट इसकी 40 है। थोड़ा सा एक कदम आगे लो उसको। बकरा बहुत बड़ा है, थोड़ा सा क्लोजअप में भी दिखाएंगे और मस्ती भी करेंगे उसके साथ। इंशाल्लाह खेलेंगे ना आप? इधर आओ। छोड़ दो उसको, दूसरे बकरे पास मत जाने दो, ऐसा खेलो सिर्फ। एक साल पहले जब आपने लाए थे 60 केजी में, हाँ, तो जब से और अभी में कितना डिफरेंस लग रहा है आपको? अभी काफ़ी बहुत फर्क हो गया उसमें। एक्चुअल में हमारे पास ही था जब वो, तो 3-4 महीने हमारे पास था वो जगह पर, आपके घर पर। हाँ, घर पर। उस वक्त उसने 4 महीने में अराउंड 18-20 किलो वेट जब भी गेन किया था उसने। अच्छा, 4 महीने में। उसके बाद में भी वो माशाल्लाह डाउन नहीं हो गया, वेट गेन करता चला गया। जी जी जी। अभी ये वेट पे खड़ा है। अभी मतलब बहुत अच्छा डिफरेंस किया आपके हिसाब से। माशाल्लाह बहुत अच्छा फ़र्क आया उसमें। फार्म पे क्यों रखे बकरा आपने? घर, एक्चुअल में घर पे थोड़ा सा मसला हो गया था रखने का, और हमारे काम भी थोड़े बढ़ गए थे, इसके लिए देखभाल नहीं हो पा रही थी। पहले भी जो बकरे थे आपके? हाँ, सर टेरेस पर ही थे। हाँ, टेरेस पे थे जी। माशाल्लाह,
बकरे की कल तक खड़ने की पोजीशन भी बहुत प्यारी पोजीशन, इसीलिए था हमने उसका नाम पैंथर रखे। बहुत लंबे चौड़ा बकरा है, लेंथ में बहुत है माशाल्लाह। तो ये बेच रहे क्यों आप? ये बस शौक हो गया पूरा कुर्बानी। हाँ, तकरीबन साल भर रखे। हाँ, शौक हो गया माशाल्लाह। हर साल जो बकरे लाते अच्छे बकरे देखने मिलते शानू गुड्स की तरफ। हाँ, ये साल भी और भी बकरे वो भी दिखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये फॉर सेल है। हाँ, ये फॉर सेल मांग रहे इसके आप? शफी भाई, इसका ऐसा है ना कि ये बड़ा बकरा बड़ा है जी, और पर्सनल पर्सनल में मत रखो। नहीं, इसके लिए मैंने प्राइस इसीलिए पूछा कि प्राइस व्यूअर्स को पता चले, पर्सनल में मत रखो। नहीं शफी भाई, एक्चुअल में ऐसा है ना कि ये अभी फ्रेश 8-10 बकरा है जी जी। अगर इसको हमारे पास से लेके कोई अगर उसको पलटी मतलब अगले साल के लिए तैयारी पे रखना चाहे, भराई पर डालना चाहे, तो आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो इसके लिए इसका जो रेट तो है। अगले साल तो उसको पूरा खर्चा जाएगा, तो सबसे प्राइस तो चेंज होने ही वाली है, मसला वो नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल में बेचना है तो प्राइस ओपन करना चाहिए। फिर भी कैसा है भाई की तरफ से भी है क्या प्राइस जो है वो पर्सनल में रहेगा तो ठीक रहेगा? तो प्राइस नहीं बताने वाले? प्राइस नहीं, प्राइस पर्सनली बताएंगे इंशाल्लाह फ़ोन पर। क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताओ? 9823-6363-01। ओके, अल्टरनेट नंबर भी कोई रहेगा तो हम स्क्रीन पे डालेंगे। हाँ, स्क्रीन पे। ओके, और फार्म पर आना रहेगा बकरे देखने के लिए? हाँ। तो क्या टाइम पर आना? देख सकते हैं ये, वीकली आ सकते हैं पर? वीकली आ सकते, वीकली कभी भी आ सकते। और दिन भर में जो डे टाइम है, हाँ, फार्म का जो टाइमिंग है रात में 11 से पहले और सुबह 10 के बाद में, तो इंशाल्लाह कभी भी बकरे देखने मिल जाएंगे। अगर कोई अगले साल के लिए बकरा भाड़े पर रखता है तो आपको लगता है वो लेवल पर जाएगा? बहुत अच्छा स्कोप है इसमें, और देख सकते हैं आप इसके अंदर जगह भी काफ़ी। सेल फीडिंग पे 100 kg है तो भाड़े पर माशाल्लाह खाने में बहुत अच्छा है, खाने में बहुत अच्छा बकरा है माशाल्लाह। आप भरे क्यों नहीं प्रीफर करते? नहीं शफी भाई, एक्चुअल में हम पहले रखते थे भराई के बकरे, लेकिन ज़्यादातर सेल्फ फीडिंग में समझ में आते हैं बकरे हमको। क्यों ऐसा? मतलब क्या वो जो रिस्क है भरे वाला, वो नहीं लेना भी है? और दूसरी बात ये है कि जो फोर्स फीडिंग करते हैं बकरों को, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो जितना बकरे ने जितना खा लिया मुँह से और जो बन गया और वही बेहतर, चलो उसको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट जैसा पाउडर है, प्रोटीन पाउडर वगैरह, मिल्क दूध दे दिए, वो सब ठीक है। लेकिन भरा ही है फोर्स फीडिंग, नहीं भरा ही नहीं। ओके ठीक है, इसके अलावा और क्या देख रहे हैं अपन? इसके अलावा और दो बकरे हैं इंशाल्लाह, वो भी दिखाएंगे। कोटाई बकरे। ओके ठीक है, हाँ नेक्स्ट बकरे देख लेते हैं। हाँ, जो भी भाई इंटरेस्टेड है पैंथर खरीदने में सरफर भाई से कॉन्टेक्ट करो, माशाल्लाह 8-10 पर है, 40 अप्रॉक्स हाइट है और 100 kg तकरीबन उसका वेट है। अभी वेट का वीडियो मिल जाएगा? वेट का वीडियो मिल जाएगा अगर किसी। ओके, कान की लेंथ क्या रहेगी इसकी? कान की लेंथ रहेगी कम से कम। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।